वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नया दिन नए दिन की शुरुआत और अभी हम जा रहे हैं सफदरजंग टॉम, तो वो आपको दिखाते हैं, वो है न्यू दिल्ली में और हम आपको एक्सप्लोर करते हैं वहाँ का और वहाँ के बारे में हिस्ट्री बताते हैं कि किस की टॉम है वो और कब बनी थी और वो सब एक्सप्लोर करते हैं। और चलिए हमारे साथ घूमिए, इंजॉय करिए और बिना स्किप करे देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। वरिशा आप करो, चलो अदाप कराए वरिशा ने, सब उसका जवाब दे दे। और ये है फैसल और पीछे है हमारी बहना जी सुम्बुल। तो चलिए वहाँ मिलते हैं, आपको मिलते हैं सफदरजंग टॉम पे, चलिए वहीं पे मिलते हैं अब आपको। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं, बस सामने ही हमें दिख रहा है, अपनी कार पार्किंग में लगाते हैं। और मैं आपको बता दूं, मेट्रो से जो आए उसके लिए मेट्रो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है चोर बाग मेट्रो स्टेशन, वहां से आपको थोड़ा पैदल चल के जाना पड़ेगा आधा किलोमीटर ही है मुश्किल से। तो चलिए अपनी कार पार्किंग में लगाते हैं फिर आप। पर ये स्कैनर है, इसको स्कैन करेंगे और टिकट आपका बुक हो जाएगा। उसमें आपको वो टिकट आपके अडल्ट हैं, हम तीन अडल्ट हैं तो हमारा टिकट स्कैन करके हम टिकट बुक करेंगे अपना अडल्ट का, बच्चे का नहीं लगेगा क्योंकि 3 साल से नीचे का बच्चा है। तो अगर आपको जल्दी का काम है, वैसे यहाँ इतनी भीड़ नहीं है, बस आप स्कैन कर लो हो जाएगा। और वहाँ पर टिकट काउंटर है जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, वो टिकट काउंटर है और इधर से एंट्री है जहाँ पर ये गार्ड भैया खड़े हुए हैं। तो अब हम टिकट करते हैं फिर अंदर चलते हैं। एंट्री, पीछे आपको दिख रहा है टॉम, सफदरजंग टॉम। और मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देती हूँ अभी कि इसकी हिस्ट्री क्या क्या है। थोड़े बहुत इसके बारे में लिखा हुआ है, इसका मैप बना हुआ है, तो वो अभी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दें, सफदरजंग टॉम जो बना है ना, ये सफदरजंग एक थे उनके उस पर ही बना है, वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो मैं उनकी हिस्ट्री आपको बता देती हूँ। मुगल बादशाह के टाइम पे ये लास्ट एम्पायर जो था ना मुगल्स का, जो लास्ट था, मतलब लास्ट भी पीढ़ी जो चल रही थी मुगल की, ये उनके थ्रू बनवाया गया है। तो ये बना था मोहम्मद शाह के टाइम पर बना था। बट ये मोहम्मद शाह जो थे, ये वो इतना इसके बारे इसको देखते नहीं थे। तो जो उनके मंत्री थे सफदरजंग जो थे, जिनके नाम पे ये टॉम बनाया, तो उन्होंने
है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो वही इसकी देख रेख करते थे, सब कुछ करते थे। फिर जब वो ख़त्म हो गए तो उसके बाद जो उसके आगे के उत्तराधिकारी थे वो 1719 में बना था, 1748 में जाके ये मतलब इसका जो पूरा रूलर था वह था। उसके बाद जो उसका मकबरा बना था वो शुजाउद्दौला के उस पर बना था, उनको बोला गया था कि उनके नाम पर ये मकबरा बनाया जाए। तो ये मकबरा तब बना था 1754 में, ये सिराजुद्दौला के टाइम पे ही मकबरा बना था। तो और इसके अंदर जो मकबरा है वो उनकी वाइफ का बनाया, शुजाउद्दौला के नाम ने बनवाया था 1754 में। तो ये उन्हीं के नाम पे है, सफदरजंग के नाम पे ये टॉम बनाया। और इसके अंदर जो मकबरा है वो उनका खुद का मकबरा है सफदरजंग का, और उनकी बेगम जो है मतलब कि उनकी वाइफ, उनका भी मकबरा इसके अंदर है। और इसके अंदर मस्जिद है, इसके आसपास बहुत सारे बगीचे हैं जो आप देख भी सकते हो। तो बस अभी ये इसकी हिस्ट्री है जितनी मुझे पता थी मैंने आपको बताया। चलिए अंदर का एक्सप्लोर करते हैं, मकबरा दिखाते हैं, मस्जिद दिखाते हैं, बगीचे। बस ये इतना ही है सामने जो आपको दिख रहा है हमारे पीछे, बस ये इतना ही है। इसका ये फाउंटेन है ये चलता नहीं है, और इसके आसपास बगीचे हैं। बाकी हम इसका आगे चल के आपको दिखाते हैं, और आप भी इंजॉय करिए, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। छोटा सा मकबरा देखिए, गुंबद पे मरम्मत चल रही है। ये धूप बहुत तेज हो रही है, अब चलते हैं ऊपर की साइड। वो जा भी रही है वहीं पे, वो हमारी गाइड है और उनको सब पता है। वो बहुत पहले से मतलब वो दुनिया में आए हैं, उनको अभी कुछ ही टाइम हुआ और उनको सब कुछ पता है इसके बारे में। इसका जो लुक है ना, ये सब इसका जो एरिया ऐसे बना हुआ है, ये पूरा हुमायूं टॉम की तरह है ना, पूरा लुक लाइक ये बिल्कुल हुमायूं टॉम की तरह है। बट इसमें आधे से ज़्यादा, हाँ आप देख भी सकते हो हमारे पीछे, इसके पीछे कि रेनोवेशन चल रहा है यहाँ पे सारा अभी तो। और हमारी वरीशा मैडम को तो ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत बार यहाँ आ चुकी हैं, ऐसे घूमती फिर रही हैं पूरे में। देखिए ये दूसरी साइड का है इसका सारा गार्डन जो है यहाँ पर। ये अंदर है मकबरा। बस यहीं रहो, बस अंदर नहीं जाओ, यहीं रहो।
यहाँ पे ये बता रहे हैं फोटो का एंगल कि ऐसे लो तो यहाँ से ये पूरा क्लियर आएगा। मम्मा भी इसमें डालना पड़ेगा, ये तेज धूप हो रही है, गर्मी भी लगने लगी है और हमने यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत ही है, छोटा सी जगह है, बिल्कुल मकबरा है यहाँ पे, इतना कुछ है नहीं इसमें। तो आप यहाँ पे अपनी वीडियोग्राफी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और फ़ोटोज़ तो बहुत ही अच्छी आएंगी। और यहाँ जिसकी हिस्ट्री हमको पता थी हमने आपको बता दी और आपको दिखा भी दिया है। जीजा साली की फ़ोटोग्राफी चल रही है, साली कह रही है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं फैसल भाई, अच्छी नहीं आई है, ऐसे लीजिए ऐसे लीजिए। यहाँ पर फ़ोटोज़ का डिस्कशन चल रहा है जो कि इतनी देर हो चुकी है और अभी तक इनकी फ़ोटोज़ कम्प्लीट नहीं, फाइनली हो चुकी है कम्प्लीट, आ रहे हैं दोनों। आज वरीषा ने बहुत इरिटेट कर दिया है, बहुत ज्यादा। आओ इधर आओ। इसे खोल तो अच्छा ऐसे पी। आराम आराम से कपड़े गीले हो जाएंगे। तो भाई हम नीचे उतरते हैं यहाँ से, स्टेयर से यहाँ से उतरते हैं और फिर अब नीचे गार्डन में चल के थोड़ा सा फोटो सेशन करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। तो ये हम उसके नीचे आए हैं उतर के, मतलब स्टेयर से उतर के नीचे आए हैं। यहाँ दरवाजे, इसके अंदर कुछ तहखाना वगैरह कुछ तो होगा यहाँ अंदर, फाइनली हमें नहीं पता क्या होगा। और ये जो है ये कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, दर वगैरह बने हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये थोड़ा हिस्सा में ये खराब होने लगा तो बस उसके नीचे उतर के बस ये है। तो बोर्ड और भी लगा सकते हैं, ऊपर नहीं लगे हुए हैं बोर्ड ऊपर बताने के लिए। तो ये लोग जो है ना ये वहाँ पर सर्वे कर रहे थे सब लोगों से, तो इन लोगों को वहाँ पे ना नंबर्स लिखने थे, मतलब हमसे पूछा जा रहा था कि यहाँ पे आपको कैसा लगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये रेट्स दे रहे थे। हाँ सजेशन ये है कि ऐसा और अच्छे से करा जा सकता है, यहाँ पे गार्ड्स भी कम है, गार्ड्स भी होने चाहिए। फिर मैं बस वीडियो बनाती रहूँ, फोटो खींचती रहूँ, फिर फोटो अच्छी ना खींचे तो कैसे फोटो खींची, वीडियो अच्छी ना बने तो कैसे वीडियो बनाई, वीडियो बनानी नहीं आती। बोलना था ये सब वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया। चलो ये सुंबल हो मुझे लगा निशान पड़ गया। हमें व्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है व्लॉगिंग करने में, उसको एडिट करने में, उसको बनाने में, उसको बनाने के लिए हर जगह जाने के लिए, उसकी हिस्ट्री जानने के लिए, उसके बारे में पढ़ाई करने के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत। उसके लिए ना हमारी वीडियो को आप लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। हम जितनी मेहनत करते हैं तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए प्लीज़। हम बैठ गए आके गार्डन में, यहाँ मज़े ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, थोड़ी धूप से बच गया, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। पीछे आपको व्यू दिख ही रहा है कितना अच्छा आ रहा है, और इनको तो घासों से खेलना है। बहुत ही कह देगा वरीषा के हेयर बैंड भी तोड़ दिया आज गुस्से में आके, सब कुछ ख़राब कर दिया वरीषा ने आज। हूँ भी कह रही लाल अब हम तो फिलहाल
तो फिलहाल अब हम क्या है बोलो या मुझे बोलो या मुझे बोलने दो। तो फिलहाल अब हम यहाँ पे बैठ चुके हैं और आप 1 2 3 जिंदाबाद। तो फिलहाल अभी हम इस गार्डन में आके बैठ चुके हैं, चारों तरफ बाउंड्री है और पीछे ये व्यू अच्छा लग रहा है और अभी रेनोवेशन भी चल रहा है उसका, जब हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। और ये चारों कोने पे इसके गार्डन बना हुआ है और यहाँ पे पक्षी और परिंदे बैठे हुए हैं पेड़ों के नीचे काफ़ी सारे, वहाँ हम इग्नोर कर रहे हैं, उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। और पता है यहाँ पर ना फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, क्योंकि छोटी सी प्लेस है, इतना यहाँ पे कुछ है नहीं और फैमिली इतनी आती नहीं जितने कपल्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। राइट, हर जगह पर कपल्स ही जाते हैं यार। तो वही तो बोला पक्षी परिंदे, तुम नसीदा बोल रहे हो। नॉन इनडायरेक्ट बोला मैंने, डायरेक्ट बोल दिया। बुलाओ 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 तो बुलाओ, हाँ से बुला भी रही है, जाओ उसके पास बुला लो। चलो मैं भी चल रही हूँ। ओ भाग गई, व्लॉग बना रही हो? ओहो कहाँ जा रही हो व्लॉग बनाने? ओहो हमारी छोटी कैमरामैन व्लॉग बना रही है, उधर नहीं आगे नहीं। ओहो अच्छा सही से ले रही हैं कैमरामैन आप? ओहो कैमरामैन ओहो व्लॉग बना रही हैं। बात कर रही हो? नाना से बात कर रही हो? भाई किससे बात कर रही हो? है वैशा नाना से बात कर रही हो? टाइम का ही बना हुआ कुआ है ये, अभी ये अब के टाइम में यूज़ कर रहे हैं, पानी ही अभी ले रहे हैं इससे। बताओ कब के टाइम का बना हुआ है? अभी तक मोटर डाल रहा था उससे पानी नहीं पड़ता। अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट कोई हम दिल्ली का एक्सप्लोर करेंगे या कोई मार्केट एक्सप्लोर करेंगे वो आपको दिखाते हैं। और अब हम सोच रहे हैं कि बीच बीच में अपने होम व्लॉग भी डालना स्टार्ट करें, तो वो भी स्टार्ट करेंगे, उसको भी ऐसे प्यार देंगे जैसे इन व्लॉग्स को प्यार देते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।